बच गया ना वो डंका, असली डंका कैसे बजता है दिख गया ना, ये होता है डंका। करो और तापमान हमारा चेक बताओ। सर मैंने तो ऐलान कर दिया है, जो आपने कल कहा है मैंने वो पूरा कंफर्म कर दिया। वो जो 45 सीटें वापस लिए लेटर एंट्री से, सर वो हमें ही चाहिए, हमारे लोगों को मिलेगी इमीडिएटली। मैंने यहाँ पे मांगे बता दी में से 20 वाल्मीकि समाज को, 20 नहीं सर पूरी पूरी दे दो, पूरी 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 की पूरी 45 सीटें हमारे वाल्मीकि समाज को जाएंगी। और मैंने ये कहा कि सरकार ने जो बैकलॉग, कल जो बड़ी खूबसूरत बात आपने बोली, मैंने कहा कि अब आने वाले 2 साल तक जितनी भी हमारी बैकलॉग की सीटें हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज को मिलेंगी, कोई जनरल कैटेगरी का नहीं जाएगा। लेकिन सबसे पहला अधिकार हमारा जो समाज पीछे छूट गया वो आएगा आगे, हम खुद अपने भाइयों को आगे लेकर जाएंगे। एक बात बोल दूं कि ये जो अगर जो पीछे छूट गए समाज, उनको अगर बैकलॉग की नौकरियां मिलनी शुरू होंगी तो वो मुश्किल से एक महीने में, ज्यादा से ज्यादा टाइम होता है, वो सारे कवर हो जाएंगे एक महीने में। क्या मंशा है सर? उसके बाद बाकी सब ले लेंगे। किस किस की मंशा नहीं होती सर? गुरुजी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आपके सामने खड़े, और मैं बताती हूँ कि सर जनता की अदालत सबसे बड़ी है, आपका कोर्ट सबसे बड़ा? जनता जनता लो कर लो, जनता से नीचे सुप्रीम कोर्ट, जनता से हमने यहीं से सीखा है। आपके साथ 270 दिन दिल्ली में बैठे भाई, न्याय नहीं मिला? नहीं एक सेकेंड, बिल्कुल सही, ऐसी बात नहीं है, न्याय नहीं मिला इस देश में। दलित आदिवासियों को न्याय मिलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हमने लड़ना नहीं छोड़ा, हमने लड़ाई नहीं छोड़ी, आज भी हमने सड़कें गर्म रखी। हमारे पे 9-9 FIR है, सर पे भी, सब पे FIR है। तो क्या हम डर गए? हम चुप हो गए? हम रुके नहीं हैं, हम वहीं पे खड़े हैं और वहीं पे हम लड़ रहे हैं, वहीं पे हमारी लड़ाई उतनी ही मजबूत है, वैसे ही लड़ते रहेंगे, और हमें लड़ने का तरीका पता है। वैसे इन्होंने जो हमारे बिछड़े साथी थे ना, उनको सबको एक कर दिया ये काम करके, तो इनका धन्यवाद भी करना चाहिए। देखो बसपा ऑब्वियसली मान्यवर साहब कांचीराम जी का एक विजन है, जिन्होंने बहुजनों को जोड़ा। आपने जब अपना घर कमजोर किया, उन्होंने आरक्षण पे वार किया, सीधी बात है। टेक्निकल पॉइंट, जब मैंने आपको बार बार कहा है कि बाकी तो संपन्न है, लोगों के पीछे RSS है, सबके पीछे जितनी पार्टीज हैं, आपके पीछे क्या है? आपके पीछे मान्यवर साहब का एक विजन था, एक ऑफकोर्स आपके पीछे हमेशा है, और जब तक जीवित है तब तक रहेगी हमेशा, ऐसे ही लड़ते। हाँ जी, हमारे पीछे बरा साहब है, सबके पीछे संविधान गिफ्ट किया। ये आपको कहने की जरूरत नहीं है कि जहाँ पे वो खड़े ही विल ऑलवेज प्रोटेक्ट ईच ऑफ अस। 24 दिन जेल में पूछा भी नहीं मुझे। नहीं, आप जेल के बाद सीधे हमारे आंदोलन पे आए थे, ऐसा मत बोलिए प्राचा साहब को पता नहीं था। जिस समय प्राचा साहब को पता चला, प्राचा साहब आप सबसे पहला दिन हमारे आंदोलन पे आए थे जी। मैं जो एक मिनट, ताली की बात नहीं, नहीं मेरी गलती है, मुझे नहीं पता लगा, मुझे पता लगाना चाहिए था, आप गए जेल में। लेकिन अभी कौन सी देर हो गई है? जिन लोगों ने आपको जेल भेजा था, हम उनको भेजेंगे, उनको भेजेंगे। अब आओ ऑफिस, आप होगी बात बराबर, अब माफी है? नहीं, ये होना चाहिए, अब आप आओ, हम उनको जेल भिजवाएंगे जिन्होंने आपको जेल भेजा। सर ऑलवेज ये चीज़ कहते हैं कि मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले जो समाज हाशिए पे है, जो समाज जिसे संविधान शेड्यूल कास्ट कहता है, जो हमारी एक दलित होमोजीनियस आइडेंटिटी इज ऑलवेज देयर फॉर अस, तो हम सब एक दूसरे के लिए हैं। और लाइक ऑलवेज से कि मीडिया, आप नहीं हो ना तो आज ये दिखेगा भी नहीं जो हमने किया है, अगर आप नहीं होते तो ये डंका जो आज हमने बजाया है ना, ये बजेगा भी नहीं, बजता है। आज जो उनके मुंह में तमाचे पड़े हैं, जो उन्होंने हमें फिर से एक कर दिया, जो उन्होंने हमें एक कर दिया, अब सर मैं आज ये भी ऐलान कर रही हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ वो करनी सेना वाले, वो जो हिंदू सभा वाले वो समर्थन दे रहे हैं, अब कल से वो जंतर मंतर पर, नहीं वो जंतर मंतर पर धरना लगाएंगे। हमारा ट्रेंड वाल्मीकि समाज के लिए कि लेटरल एंट्री से 45 की 45 सीटें हमारे वाल्मीकि समाज को दी जाए, और उनको बड़ी बड़ी पोजीशन पे, सेक्रेटरी लेवल तक हर पोजीशन पे उनको रखा जाए, हम साथ देंगे। वो अब धरना करेंगे यहाँ पे वाल्मीकि समाज के लिए। और दूसरी चीज डिमांड, ठेकेदारी प्रथा, यही 7 जजेस का बेंच इमीडिएटली ठेकेदारी प्रथा को हटाएगा, सुओ मोटो डिसीजन लेकर, और कहेगा कि जितने भी ठेके पे काम करें सबको हम परमानेंट करें, ना किसी के घर पे गरीबी रहेगी, ना किसी का बच्चा भूखा सोएगा, हर का बच्चा पढ़ेगा, और सरकार 100% एजुकेशन फ्री कर रही है, इंक्लूडिंग PhD। इसमें मैं एक चीज आगे ऐड करना चाहूंगा, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो किसी भी एज के हो, नौकरी के बाद उनको एक 2 साल का कोर्स होता है, डॉक्टर ऋतु ज्यादा बताएंगी, ग्रेजुएशन का, 2 साल में पूरा हो जाता है, तो उनको सबको डिस्टेंट एजुकेशन से हर एक सफाई कर्मचारी को, महिला हो या पुरुष, नौकरी के बाद उनको ग्रेजुएशन का 2 साल में सबको कोर्स कराया जाएगा। उसके बाद जिसने ग्रेजुएशन कर ली, नौकरियां तो हमारी बैकलॉग की खाली हैं, उनको सबको क्लर्क या डायरेक्टर या Class 2, Class 1 में नौकरी दे दी जाए, ये भी हमारी बहुत बढ़िया, बहुत यही हम करेंगे। और इसका इसका एक ग्रेजुएशन होकर नौकरी कहाँ मिल पाएगी? अरे फिर वही बिल सब जवान, आप इकोनॉमिक बेसिस पे 50% क्रॉस करके रिजर्वेशन मिल सकती थी,
ईडब्ल्यूएस हमारा व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है ना, जब तक हाथ पैर चलते हैं उसके, तो कोई एज का बार नहीं, ये हमारे हाथ, हम जनता कह रही है ना, कोई एज का बार नहीं, सबको नौकरियां दो। जनता जो कह रही है वो होगा। सर मैं ये भी अपील करना चाहती हूँ कि ये लोग अभी दिखावा कर रहे हैं ना राष्ट्रपति के पास जाने का, अब ये जो डिमांड्स है ना, हम राष्ट्रपति के पास ये डिमांड्स देंगे, और अगर हमारी डिमांड्स टाइम बाउंड के अंदर मानी नहीं गई उसके बाद हम यही प्रदर्शन करेंगे इसी तरीके से सड़के गर्म। अब बीजेपी, आरएसएस और जितने भी ये संगठन है, हिंदू वाहिनी, ये जो भी संगठन हो गए, ये सारे सड़कों पर आएंगे हमारे समाज के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, ठेकेदारी प्रथा को उठाने के लिए, उनको परमानेंट करवाने के लिए, हमारा बैकलॉग लागू करने के लिए। अब वी वॉन्ट देयर सपोर्ट कि हमारे लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करो और हमारा ये चीजें लागू करो। हम ट्विटर ट्रेंड अब इनके खिलाफ करेंगे, आओ सड़कों पे लड़ो हमारे, बल्कि लेटरल एंट्री परमानेंटली, जो हमारे पिछड़े रह गए समाज, लेटरल एंट्री सारी उसके लिए रिजर्व। करेक्ट करेक्ट। एक गाना है, मुंबई से आया मेरा यार, यार को सलाम करो, मेरे पिता तुल्य, मेरे बड़े भाई आज जंतर मंतर पर समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए मुंबई से 21 अगस्त भारत बंद का समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पहुंचे हैं। ये कोई अपने आप में छोटी बात नहीं है कि महाराष्ट्र से लोग दिल्ली पहुंचे, क्यों? क्योंकि ये एक छोटे मोटे क्षेत्र का, छोटे मोटे जिले का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। क्या जरूरत थी मुंबई से आप आए, घर पर रहते भाई? मैं कांशीराम जी के ऑफिस से रिटायर हुआ हूँ और मैंने कसम खाई है कि बाबा साहब का और कांशीराम का सपना, बाबा साहब तो कसम के विरोधी थे, कसम के विरोधी थे, मतलब बाबा साहब का सपना पढ़े लिखों ने धोखा दिया है। बाबा साहब इन्होंने बोला है मानवतावादी, और बाबा साहब ने हमें दो हथियार दिए थे, एक दिए थे आरक्षण, आरक्षण का मतलब है एससी एसटी ओबीसी को 90% को, यानी सिक्योरिटी दी थी, लेकिन आज तक के 50 सालों में देखो ना ओबीसी की जनगणना हुई, ना एससी को न्याय मिला। 40 साल से मेरे साथ अन्याय हो रहा है, महाराष्ट्र में एसटी के साथ अत्याचार हो रहा है, और वो एससी एसटी ओबीसी का इन्होंने ख़त्म कर दिया, और बाबा साहब ने स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार दिया था, एजुकेशन और ये वो भी ख़त्म कर दिया, इसलिए आज हम सब लोग सर 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 भीम जय भीम। जातिवादी फैसले बंद करो, बंद करो जातिवादी फैसले, मतलब कौन से फैसले, क्या कहना चाहते हैं आप? कितने फैसले गिनवाऊं बताओ आप, आज यही बताओ, कुछ करवाइए, दो चार तो दो चार छोड़ो आप, मैं आपके ऊपर, आप लोग आओ आगे आओ, मैं बताऊं आपको, मैं आपके सवाल को जो आपने ये पूछा ना, कुछ जातिवादी फैसले सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के बताओ, सभी के, आगे सरकारों के भी शाम हो जाएगी। इस अंधभक्त जो समाज है, जो घरों में सोया है, आज के दिन जंतर मंतर नहीं पहुंचा है, उस समाज की आंखें खुल जानी चाहिए। जो हमारे एस सी एस टी ओ बी सी और माइनॉरिटी समाज जो सोया हुआ है, हमारा दुश्मन ताकतवर है और वो जागा हुआ है, और हम कमजोर हैं और हम सोए हुए हैं जी। तो आपने सवाल ये पूछा कि मैं आपको सारे के सारे वो फैसले बताऊं जो कि गलत हैं, निंदनीय हैं, चोरी भरे हैं, डकैती भरे हैं, और मक्कारी चोरी डकैती लुटेरे के ये जो फैसले हैं वो मैं आपको गिनवाऊं। अरे भाई, अगर मैं आपको एक एक करके गिनवाने लगा ठीक है, तो मुझे कम से कम कई दिन लग जाएंगे बोलते बोलते, ना आप रह पाओगे ना मैं रह पाऊंगा। मैं एक आसान सवाल करता हूँ, मुझे इस देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मैं ज़्यादा काम करता हूँ, पीछे भी करता हूँ, तो एक फैसला मुझे कोई भी बता दे, और ये ओपन चैलेंज है सबको, एक फैसला, सिर्फ एक फैसला किसी भी हाई कोर्ट का और किसी भी सुप्रीम कोर्ट का, जो एस सी एस टी ओ बी सी महिलाओं को, गरीबों को, बच्चों को संपूर्ण न्याय देता हो या न्याय देता हो, एक फैसला पूरे देश में, और आज़ादी के बाद से आज तक से लेके अब तक, सरकार सिर्फ सिर्फ सरकार विरोधी हो आप, वो कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो चोरी कर रहे हैं ना, फैसला बताओ, कोई बेटी बचा तो रहे हैं अभी ये है। मैं जो हमारी हाथरस की बेटी है उसका केस कर रहा हूँ, जो हमारी दिल्ली कैंट की बेटी है उसका केस कर रहा हूँ, जो हमारी ये ये सारी बेटियां, सुनो आप, सुनो सुनो, एक मिनट वो उसका जवाब दूंगा, पहले इनका जवाब दे दूंगा। सरकार की पूरी कोशिश है, हाथरस की बच्ची का ही बता दूं मैं आपको, सरकार की कोशिश ये है कि उसकी सुरक्षा छीन ली जाए, उसको घर देने के लिए ये कहा जा रहा है कि तुम अपना ये वाला जो छोटा मोटा तुम्हारा जमीन है ना ये दे दो, तब हम तुम्हें घर देंगे। नौकरी आज तक नहीं दी, और योगी आदित्यनाथ जी ने खुद वादा किया था और हाई कोर्ट में वादा किया था, ये हैं वादे और ये हाई कोर्ट के फैसले हैं जो आज तक दिला नहीं पा रहे। अब जो आपने पूछा सवाल आप बताएं सर, एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, किसको?
चमार को, चमार और जाटों सर, को। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सबसे ज्यादा जाटक चमार ही किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो जाटक समाज है वही हमारा आरक्षण खा रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा है कि ये जो समाज जिसका नाम ले रहे हो आप और कुछ और भी समाज हैं वो थोड़े जागरूक होके गर्दन तक पहुंच गए उनका हाथ। अब उनको पता है समाज के हमारे, और वो याद है आपको भीमा कोरेगांव, 500 तो चाहिए, 500 ही चाहिए, और 500 में से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गए, और उनका हाथ बनुवाद के गर्दन तक पहुंच गया है। और अगर उन्होंने टेटवा दबा दिया मुट्ठी भर लोगों ने, तो फिर तो सबको न्याय मिल जाएगा, तो इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। एक बात, मैं पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस बात को यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि वाल्मीकि समाज का हमारे देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक है। अगर किसी वाल्मीकि समाज के एक भी व्यक्ति का इस जजमेंट से फ़ायदा होने जा रहा होता तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होता जो इसके समर्थन में खड़ा होता, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती। लेकिन ये वाल्मीकि समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इस जजमेंट से, इसलिए हमारा फ़र्ज़ इसलिए भी है जो लोग वाल्मीकि समाज के हितैषी हैं कि इस जजमेंट की पूरी ताकत से मुखालफत करें और इसको एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट ना सर, इसको हाँ ये बात, ये बात, ये बात, ये बात, पहले वाल्मीकि समाज, पहले वाल्मीकि समाज से शुरू करते हैं। ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जो जजमेंट है एक के बाद एक जजमेंट, वो अगर वाल्मीकि समाज की इतनी सी भी हितैषी होती तो उनकी नौकरियां जो पक्की होनी चाहिए थी, किस काम की, सफाई कर्मचारी की, कोई जो सबसे खतरनाक सबसे मुश्किल काम है उसकी नौकरियां पक्की होके उनकी 1 लाख रुपए की नौकरी लगती। आज 7,000, 8,000, 5,000 पे नौकरी कर रहे हैं। हज़ारों बार हमने पूरे देश में, हमारे जैसे ये हमारे गौतम साहब खड़े हैं यहाँ पे, एक पिटीशन नहीं लगाई हैं, सैकड़ों पिटीशन लगाई हैं कि भाई साहब ये हाथ जुड़वा लो, इनको कम से कम ठेकेदारी प्रथा से तो मुक्ति दिला दो। किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ऐसी ताकत नहीं आई कि ठेकेदारी प्रथा से हटा के 1-1 लाख रुपये की नौकरियाँ वाल्मीकि समाज को दिला दें, ये कर दें तो मैं इनको सैल्यूट करूंगा अभी इसी जजमेंट के देने वालों को, नहीं करेंगे लेकिन ये। और साथ के साथ हमारा ये, पहले ये नौकरियां पक्की करो इनकी, ठीक है, और साथ के साथ जितने भी ये सफाई कर्मचारी हैं उनको 2-2 साल का एक कोर्स होता है ग्रेजुएशन का, शाम को सब वो ग्रेजुएशन कोर्स करेंगे, ठीक है, और जैसे ही उनके 2 साल पूरे होंगे जो ग्रेजुएट को नौकरी मिलती है, जो बैकलॉग की बात मैं बता रहा हूँ आपको, जो बैकलॉग में करोड़ों नौकरियाँ पड़ी हैं, सबसे पहले इन्हीं को दे दो, क्योंकि इतने करोड़ नौकरियाँ आएंगी के सारे परिवार, चाहे वो किसी भी समाज के हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में, सबके घर में एक नौकरी आराम से आ जाएगी। और कौन सी नौकरी, जो कि हायर लेवल की होगी, जो क्लास 2, क्लास 1 और उससे भी ऊपर डायरेक्टर और सेक्रेटरी लेवल की नौकरियाँ होंगी। तो ये है सोल्यूशन। दूसरा एक सोल्यूशन और आप सुन लीजिए, जल्दी में मत रहिए, एक सोल्यूशन और है, ये प्राइवेटाइजेशन। अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे जितने चोर है ना ये, इनके ऑफिसेज के बाहर प्रदर्शन शुरू करो कि अपनी शेयर होल्डिंग में, जो अभी हिंडनबर्ग ने बताया है ना, वो शेयर हमें दो और नौकरियां दो सीएमडी से लेके और नीचे तक, अडानी को हटा के हमारे समाजों के लोगों को नौकरियां दो प्राइवेट सेक्टर में, तो नौकरियों की तो अंबार लग जाएगा, जो चुराई हुई नौकरियाँ हैं, जो लोग नहीं मिलेंगे। और तीसरी चीज़ SC ST सब प्लान, करोड़ों रुपया हमारा, हर एक परिवार का 1-1 करोड़ रुपया कम से कम, SC ST समाज के हर एक परिवार का कम से कम 1-1 करोड़ रुपया सरकारों ने चुरा रखा है, वो दे दो, उसके बाद हम जजमेंट पे बात करेंगे। मिले नहीं आप करोड़ मांग रहे हैं, जो क्रीमी लेयर आया है, क्या ये संभव है क्या संवैधानिक तौर? देखिए, क्रीमी लेयर की बात मैं बता दूं आपको, इस देश में SC ST समाज का तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, OBC के साथ भी यही हाल है। राष्ट्रपति महोदय जो है, वो जो पुराने वाले थे कोविंद साहब, क्रीमी लेयर में पहुंच पाए, उनको तो मंदिर जाने से रोक लिया गया। राष्ट्रपति महोदय को, जो देश के एक तरीके से मालिक हैं, राष्ट्रपति महोदय को मंदिर जाने से रोक लिया, तो वो क्रीमी लेयर में जिस दिन पहुंच जाएंगे ना राष्ट्रपति, उस दिन क्रीमी लेयर पे हम डिस्कशन शुरू करेंगे। राष्ट्रपति ना पहुँच पाए, ये है सच्चाई। और जो लोग क्रीमी लेयर की बात करते हैं वो फ्रॉड हैं, कोई भी फ्रॉड। चलिए, अब क्रीमी लेयर की बात, आखिरी बात सुन लीजिए आप, क्रीमी लेयर का मतलब क्या है कि एक समाज के होमोजेनियस हिस्से में से कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ लोग पीछे निकल गए। और ये जजमेंट क्या है कि एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समाज जो होमोजेनियस है, जो एक जैसे हैं, जिनको एक वजह से छुआछूत की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिली थी, उसमें ग्रेडेशन करना क्या क्रीमी लेयर नहीं है? तो ये मोदी जी कौन सा झूठ बोल रहे थे आखिरी दर्जे का, कि क्रीमी लेयर के खिलाफ है। अगर तुम क्रीमी लेयर के खिलाफ हो तो इस जजमेंट के ऑटोमेटिक खिलाफ होना चाहिए।
सत्य प्रकाश जी थोड़ा मोबाइल घुमाओ भाई अपने अपने सभी साथी। सत्य प्रकाश जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? आप तो उस विशेष वर्ग से आते हैं जिसको एक तारीख के बाद से टारगेट किया जा रहा है और कल इसी जंतर मंतर पर आपके समाज को भर भर कर गालियां दी गई मंचों से। देखिए वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कह दूं कि इस समाज ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, खाल उतार के जूते बना देगा, ठीक है, खाल उतार के जूते बना देगा तो चूड़ियां नहीं, ये शर्म है। जूते बनाने वालों को क्रीमी लेयर में डाले जा। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात तो जैसे प्राचार्य साहब ने कहा क्रीमी लेयर, मैं स्वागत करूंगा सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर लगाने का। जिस दिन कोई भी चमार, जिस दिन कोई भी धानुक, जिस दिन कोई भी महार, जिस दिन कोई भी मीना और कोई भी मुस्लिम अंबानी जैसी शादी करेगा जी, आप क्रीमी लेयर लगाइए लेकिन अंबानी जैसा बनाइए तो सही। मुझे भी तो नचवा लेने दीजिए, रिहाना को, सलमान खान को लगा दीजिए क्रीमी लेयर, मीठा मीठा गपगप फिक्का फिक्का थू थू, नून नमक है नहीं मलाई में तुम बंटवारा डाल रहे हो। तो जो आप कह रहे हो क्रीमी लेयर का मतलब क्या, कितने चमार, कितने महार, कितने मुस्लिम, कितने मीना भारत से 2,08,00,000 करोड़ रुपए लेके भागे। मैं बता रहा हूँ मालिया भागा है, मोदी भागा है, नीरव मोदी भागा है और इनके ना जाने कितने लोग भागे हैं। अगर एक बात तो बताओ वकील साहब, आपके छोटे भाई को अगर कुछ थोड़ा सा फायदा हो जाएगा तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? देखिए मैं टेक्निकल भाषा में एक बात बता दूं, जैसा कि प्राचार्य साहब ने कहा कि इन्होंने होमोजेनियस ग्रुप को हाइड्रोजेनियस ग्रुप बना दिया। मैं आप कहते हो ना छोटे भाई, मेरा तो कलेजा फटा मारा जा रहा है अपने छोटे भाई को संसाधन देने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ जो चीफ जस्टिस जो अगला 2025 में बने वाल्मीकि समाज से बने, फिर डोम समाज से बने, फिर मुसल समाज से बने, चमारों को मत बनाओ, जाटवों को मत बनाओ, पहले बनाओ उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर बनाओ उन्हें हाईकोर्ट जज, फिर उन्हें बनाओ चीफ सेक्रेटरी और फिर जो स्पेशल कंपोनेंट का प्लान है वो का पैसा है वो दे दो, और सबसे बड़ी बात जल जंगल जमीन की हिस्सेदारी उन्हें दे दो। 6,743 ओबीसी की जातियां, 2,000 की एससी एसटी की जातियां नीचे से शुरू करके सुप्रीम कोर्ट जज बनाते रहो, 8,000 साल बाद में चमारों का नंबर आएगा, हमें वो भी नीचे। तीसरी बात क्रीमी लेयर क्या, 2% नौकरी सरकारी नौकरी वालों को क्रीमी लेयर बोले, मुझे बता दो कितने चमारों के पास रोल्स रॉयस है इस भारत के अंदर, कितने के पास बुर्ज खलीफा में बीएमडब्ल्यू लेके, ना मैं इनका नहीं रोल्स रॉयस, अरे रोल्स रॉयस की बात कर रहा हूँ, गरीब तो नहीं है, गरीब तो जिनका खाल उतारने का पैसा पिछले हजारों साल से था, आगे वो चलाएंगे। लेकिन आप ये कहते हो कि नहीं नहीं ये रिजर्वेशन खा गई, देखो ना तो रिजर्वेशन तुम्हारे बाप की प्राइवेट प्रॉपर्टी, ना ही तुम साथ जो जज हो आप रिजर्वेशन को डाइल्यूट कर सकते, क्योंकि मैं आपको बताऊं पंकज मित्तल साहब ने इस जजमेंट के पेज नंबर 40 पे लिख लेना अगर लिख सको, रिकॉर्ड हो रहा है, पंकज मित्तल साहब ने पेज नंबर 40 पे ये लिखा है कि गीता और रामचरितमानस के अंदर जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। हम उसमें आर्ग्यू नहीं कर रहे थे उस दिन, वरना हम ये पूछते कि भारत के अंदर पिछले 5,000 साल के मनुवादी माइथोलॉजी इतिहास में तो आप तो आज इस हिसाब से ब्राह्मण, कौन सा चमार ब्राह्मण है? नहीं आप न्याय करो, आप तो ब्राह्मण, नहीं नहीं हमें नहीं बनाएंगे ना, अरे हमें ब्राह्मण क्यों बनना है, क्यों गाली दे रहे हो हमें, 40 नंबर पे हमें, नहीं नहीं हमें नहीं बनना ब्राह्मण, हम गाली मत दो, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हाँ नहीं नहीं 40 नंबर के सबसे बता, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, वी मींस एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सिख जैन मुस्लिम्स, तो हम सारे लोग हैं, सवर्ण भी है, देखिए हमारा विरोध सवर्ण से थोड़ी है। नहीं नहीं मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी लड़ाई सुवर्ण से नहीं है, क्योंकि क्लासिफिकेशन सुवर में सबसे पहले करना चाहिए था, हाँ सवर्ण में ही, आपने गलत सुन लिया, आपके कान खराब है। देखिए आप जनरल कैटेगरी के अंदर जो है पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन जैन पारसी और आदिवासियों का क्लासिफिकेशन कर दें, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में कर दें, उसके बाद एससी एसटी का कर दें। तीसरी बात ये कोई वो चौपट का गेम नहीं चल रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि 5 ने हाँ कर दिया 7 ने ना कर दिया, ना कल को 23, 24, 25 जज आते हैं। आपने एक सवाल पूछा था प्राचार्य साहब से कितनी जजमेंट, इंदिरा साने की जजमेंट थी, शेड्यूल कास्ट वाज नॉट पार्टी इन इन दैट केस डिस्पाइट दैट फैक्ट, है ना, उसके बाद एम नागराजन को जजमेंट की उनका भी कर दिया, एम नागराजन का जजमेंट था उसके अंदर, और सबसे बुरा जजमेंट आया काशीनाथ महाजन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर उसने कह दिया कि सारे शेड्यूल कास्ट का मतलब चूड़ा चमार भंगी धानुक मूसल तेली कुमैली सब झूठा केस दर्ज करवाते हैं। उसके बाद ईवी चिन्हैया की जजमेंट को दो आदमी आए, झूठा होता है बिल्कुल, देखिए सुनिए आपने दो दोहे सुने होंगे, एक तो है फूट डालो और शासन करो,
वो आप प्रत्यक्ष रूप से 1 अगस्त में देख सकते हैं। दूसरा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया लाठी हमारे हाथ में तो भैंस भी हमारी होगी, परंतु ये शेड्यूल कास्ट भैंस खींच के ले जाएंगे और खुद ही चलाएंगे और खुद ही दूध निकालेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट, डोंट थिंक दैट सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम इन इंडिया, ओनली द पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडिया। एंड इफ दे आर टॉकिंग अबाउट होमोजेनियस ग्रुप देन इट्स ए होमोजेनियस नॉट हाइड्रोजीनियस, यू कैन नॉट क्लासीफाई। देखिए आप ही उनको, आपको हमदर्दी आ रही है ना उस क्लास की कि वाल्मीकि समाज, मेरी भी हमदर्दी आ रही है। आप एश्योर्ड गारंटी प्रोग्राम दें कि जब 15% के अंदर वाल्मीकि समाज आएगा, मैं तो कह रहा हूँ 15% 15 सीटें जो है पूरा ही दे दो, पूरा वाल्मीकि समाज को दे दो, कम से कम 20 साल बाद हमारे भाइयों का नंबर भी आएगा। 6 महीने में सबको नौकरी, 6 महीने में आ जाएगा। बैकलॉग है, बैकलॉग है। आप रॉकेट तो पहुंचा रहे हो चांद पे, दिल्ली में सफाई कर्मचारी मर रहा सीवर में, बत्ती है नहीं सीवर में मर रहा है। कौन सा तुम्हारा जो है, कौन से पिछवाड़े में बढ़ जाती है आपकी मेरिट? सिर्फ आपको ये लगता है कि मेरी थाली में जो नमक है उसमें तो बंटवारा कर दूंगा, लेकिन जो मलाइयों के जो ढेर तुम रख के बैठे हो उसमें बंटवारा ना हो। सुनो, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाल्मीकि बंगी मेहतर समाज का बनना चाहिए, उसके बाद में डिसाइड होना चाहिए। जनता ही नहीं है उनमें न्याय करने की, नहीं वो उनमें हो या ना हो। सुनिए, अरे सर क्या बात कर रहे हो, नोट फॉर सूटेबल, अरे कॉलेजियम में कौन सा सूटेबल, तुम्हारा बाप जज है तो तुम जज बन जाओगे, इसमें सूटेबल और मेरिट की क्या बात है? हम 5000 साल से पढ़ते आ रहे हैं, उनके पास ज्ञान है। अरे ज्ञान है तो मोरनी जो है, मोर के आंसुओं से गर्भवती नहीं होगी। और जब आप कहते हो रामचरितमानस में कोई ऐसा, मैं बता रहा हूँ कि ब्राह्मणस्य मुख मसीद बाहु राजनीय की जो शेड्यूल कास्ट है वो पैरों से पैदा हुआ, ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ। भैया ये माइथोलॉजी जो है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट किसी भी जजमेंट में गीता और रामचरितमानस को कोट करना है तो उसे बाइबल भी कोट करनी पड़ेगी, उसे कुरान भी कोट करनी पड़ेगी, उसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कोट करना पड़ेगा और भगवान बुद्धा एंड इस धम्मा भी। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान कोट करना पड़ेगा। संविधान तो इनका बाप है, वो तो इनके डीएनए में है, उसे कोट नहीं करेंगे तो ये यहाँ नहीं रह पाएंगे। अच्छा आखिरी सवाल चलते चलते दोनों साथियों से, 21 अगस्त का महत्वपूर्ण भारत बंद, और वाकई में जो वीडियो फुटेज आ रही है निकल के, वो वाकई में SC ST OBC माइनॉरिटी समाज ने आज भारत बंद करके दिखाया। दो पैरल जैसा नहीं है, क्योंकि दो पैरल में तो दूसरे लोग घुस गए, तो उन्होंने तोड़फोड़ की, गोलियां चलाई, राहजनी की, टायर जलाई, गाड़ी जलाई, लेकिन आज वास्तव में भारत बंद हुआ है। क्या संदेश है सर? पहले संदेश यही है कि हमारी लड़ाई 4 पॉइंट की मैंने पहले भी बताया, ये भारत बंद हर हफ्ते हर महीने होना चाहिए जब तक बैकलॉग की एक एक नौकरी हमारे समाजों को ना मिल जाए। एक बात समर्थन करते हो? यस यस, हर महीने भारत बंद नहीं, अभी पहले बोल लेते उसके बाद जी। ये उससे भी ज्यादा बोलेंगे ना। दूसरा, जो प्राइवेटाइजेशन में जितनी नौकरियां गई हैं, प्राइवेटाइजेशन में बैकलॉग के सहित उसमें सारी नौकरियां और बिजनेस में हिस्सेदारी जी। इसके लिए आंदोलन होना चाहिए, हर महीने तो कम से कम भारत बंद होना चाहिए। तीसरा, SC ST सब प्लान, वो 1-1 करोड़ रुपए जो हर परिवार का है, जब तक वो हर एक परिवार को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के परिवार को ना मिल जाए, तब तक हर शांत नहीं बैठना किसी को, तब तक हर महीने कम से कम। और एक चीज़ आखिरी और जोड़ दूँ, मुस्लिम समाज के लिए जो ये वक्फ के ऊपर हमला हो रहा है, वक्फ के लिए भी हर महीने एक भारत बंद होना चाहिए। ये हमारा सबको एक साथ कर लेगा। कॉल कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम तो कॉल कर ही रहे हैं, हर महीने होना चाहिए। तारीख बताइए, हम आपके साथ हैं। तारीख 21 तारीख, सवाल आपके साथ खड़ा है। 21 तारीख हर महीने की, 21 सितंबर, 21 सितंबर, 21 अक्टूबर, 21 सितंबर भारत बंद। देखिए 21 सितंबर भारत बंद, 21 सितंबर भारत बंद। नहीं नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब वक्फ पे हमला है तो मैं ये मानता हूँ इस्लाम की शिक्षाओं पे हमला है जी। तो भारत बंद नहीं, दुनिया के अंदर इस्लाम की 56 कंट्रियां हैं, ये दुनिया, वो दुनिया बंद हो जाएगी भारत बंद नहीं। यकीन मानिए, जिस दिन शेड्यूल कास्ट की 50, 56, 60 कंट्रियां हो गई ना, हम दुनिया बंद करेंगे, भारत बंद नहीं करेंगे। तो जब प्राचा साहब कहते हैं भारत बंद, तो मैं कहता हूँ दुनिया को भी बंद करेंगे। ये तो भारत तो बहुत छोटी चीज है, और भारत के अंदर एक बात सुन लीजिए कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे हम, इस बात सबका हिसाब कर देंगे, और रहने दे पैमाने के अंदर ईसा की, वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर देंगे।